की सुन के कि मैं बचपन मणिपुर में बीती हूँ मेरी ना, तो वहाँ पे जो ये सारे देख के मुझे बहुत अफसोस है, जो भी है गलत हुआ। अब जो चुराचांदपुर हमारे घर से सिर्फ 30 किलोमीटर है, गोलियां इतनी चलती है, हमारे जो मणिपुरी जो लोग हैं उनके पास वेपन्स नहीं है, वो कहाँ से आए? स्नाइपर गन जो है AK-47 कहाँ से आए? एक दिन में इतने लोग बंदूकें लेके उसी एरिया में सब घर जला दिया, 200 लड़कियों के रेप किए, 200 लड़कियों के रेप, छोटे 9 साल 10 साल 11 साल बच्चे लेके रेप किए, और उसी दिन जेसीबी के खोद के उसको दफना दिया गया। ये किसी को नहीं पता, ये मुझे पता है क्योंकि मैं इन टच में रही हूँ। उसी दिन 3 तारीख से मैं इन टच में रही हूँ, पर बहुत बुरा हुआ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब क्या लगता है आपको, किस तरह से फॉरवर्ड आगे जाएगा, आगे सोच कर सकते? चलो जो भी अभी हुआ, पर ये बढ़ना नहीं चाहिए, इसको वहीं रोक देना चाहिए। ये कोई फायदा नहीं ऐसे लड़के, क्या फायदा? पर जो भी है इन्होंने जो किया वो अच्छा नहीं किया, पर मणिपुरी लोग भी कर सकते थे, जैसे इन्होंने रेप किया ये भी कर सकते, पर किसी ने मणिपुरी लोगों ने किसी लड़की को ऐसे नहीं किया।